बच्चों, कविता के आगे का भाग हम शुरू करते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार। जो रानी लक्ष्मीबाई है वह दुर्गा के समान थी और वीरता का अवतार थी, और जो मराठे थे वहाँ के जो लोग थे, पुलकित होना अर्थात खुश होना, जो रानी लक्ष्मीबाई जो वार करती थी उसको देखकर जो मराठे थे वह आश्चर्यचकित रह जाते थे। और लक्ष्मीबाई अपने बचपन में ही खेल में ही युद्ध करना, युद्ध की रचना करना, शिकार करना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सभी खेल खेलती थी। ये उसके प्रिय खेल थे। खिलवार का अर्थ है खेल। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो झांसी की रानी है वह मर्दानी थी, और महाराष्ट्र की जो कुल देवी भवानी है वह भी उनकी कुल देवी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, व्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। यहाँ ये पंक्तियां हैं, इसमें जो रानी लक्ष्मीबाई है उनके विवाह से संबंधित बताया गया है कि जब रानी लक्ष्मीबाई की जो राव गंगाधर है झांसी के जो राजा, उनके साथ सगाई हुई और उसके बाद में विवाह होकर वो रानी लक्ष्मीबाई झांसी आ गई, तो वो छबीली से लक्ष्मीबाई बन गई झांसी की रानी, और पूरे राज महल में खुशियां छा गई। और जो सुबट का अर्थ होता है वीरता, जो बुंदेल से रानी महलों में आ गई थी झांसी के में, तो सभी जगह उसकी वीरता की ही बातें छाई हुई थी और पूरे झांसी में खुशियां छाई हुई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो बुंदेलखंड के लोग बोल रहे हैं कि झांसी की रानी है वह मर्दानी थी। जिस प्रकार चित्रा को अर्जुन मिल गया था और शिव जी को पार्वती जी मिली थी, उसी प्रकार झांसी की जो रानी है उन्हें राव जो गंगाधर तिलक है वह मिल गए थे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे की जो कविता है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।